खुलासा में आपका स्वागत है। आरजेडी द्वारा पूरे बिहार में आज थाली पीटकर बिहार सरकार का विरोध करने का जो अभियान था वह अभियान आज चरम पर रहा। आरजेडी के यूथ विंग के कार्यकर्ता आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर पहुंच गए, जहां भारी संख्या में पहुंचे आरजेडी यूथ के कार्यकर्ताओं ने वहाँ थाली पीटकर विरोध किया। इस दौरान उन लोगों ने ढोलक भी मंगवाया था, साथ में मृदंग भी मंगवाए थे और उसको भी पीटा गया। दरअसल आरजेडी पूरे बिहार में आज विरोध दिवस मना रही है। आरजेडी का ये कहना है कि जो भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से लौटकर बिहार आए उनके साथ बिहार सरकार ने अपमान किया है। आज जब ये आरजेडी यूथ के कार्यकर्ता मंगल पांडे के आवास के पास पहुँचे तो उनका ये कहना था कि मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था सबसे ज़्यादा लचड़ है, कोरोना मामले को लेकर के ठीक से जांच नहीं हो रही है और साथ में मंगल पांडे आज तक किसी भी क्वारंटाइन सेंटर नहीं जा सके ताकि जो प्रवासी मजदूर वहाँ क्वारंटाइन किए गए हैं उनसे मिल सकें, उनकी हालत जान सकें। और इन लोगों ने आरोप लगाया कि बिहार के जितने भी अस्पताल हैं उसमें ठीक ढंग से कोरोना की जांच भी नहीं हो रही है, कोरोना के किट नहीं हैं जिसकी वजह से जांच नहीं हो रही है, जांच की जो स्पीड होनी चाहिए वो स्पीड नहीं है और इसकी वजह से लोग भयभीत हैं। और ऐसे में मंगल पांडे घर में रहते हैं जो कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको घर से बाहर निकलना चाहिए, लोगों के बीच जाना चाहिए, उनकी जांच करानी चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आरजेडी के आज के प्रस्तावित थाली बजाओ जो अभियान था उस अभियान के समर्थन में ये सारे लोग मंगल पांडे के घर के बाहर पहुँचे और वहाँ उन्होंने जमकर विरोध किया। हैं श्री अमंगल पांडे, वो सरकार में है और सरकार में रहने के बावजूद इस महामारी में उनके द्वारा किसी भी प्रकार के गरीबों को सहायता नहीं दिया गया, यहाँ तक कि गरीबों को लॉकडाउन में खाना तक नहीं दिया गया। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव भैया और तेज प्रताप यादव भैया के नेतृत्व में गरीब अधिकार दिवस मनाने का काम कर रहे हैं और इस सोई हुई सरकार को हम लोग गरीबों के अधिकारों के मांग के साथ साथ हम लोग इनको जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का आवास को चुनने का काम किया है क्योंकि इस पूरे महामारी में अगर किसी मंत्रालय का अगर सबसे बुरा हाल रहा तो वो स्वास्थ्य मंत्रालय का रहा। इन लोगों ने इस महामारी से रोकने के लिए, इस महामारी को रोकने के लिए अब तक एक भी प्रकार से PMCS से लेकर NMCS से लेकर रिम्स से लेकर पूरे बिहार के तमाम अस्पतालों में अब तक कोरोना की जांच की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया और अब तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री घर से बाहर निकलकर ना तो क्वारंटाइन सेंटर गए, ना तो अस्पताल का दौरा किया और ना तो किसी भी गरीब शोषित से मिलने का काम किया। तो आज हम लोग इनके दरवाजे के बाहर इनके समक्ष में गरीब जनता के साथ थाली पीट कर जगाने का काम कर रहे हैं ताकि ये जागे और रैली में नहीं जाने के बदला बिहार के अस्पतालों का भ्रमण करने का काम करें। आरजेडी यूथ के कार्यकर्ता लगभग 11 मिनट तक मंगल पांडे के घर के बाहर थाली बजाते रहे और अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे और इस विरोध में उनके साथ आरजेडी के कार्यकर्ता भी थे। पटना से अनुप्रकाश की ये खास रिपोर्ट।